Hello everyone. Today I'm here with a beautiful poem named Granny's Little Laptop, and the poet name is Rowan Mendrick. So let's start the poem. Granny has a laptop. It's slick and shiny new. She gazes at it fondly and wonders what to do. She keeps it gently on her lap. She really thinks it's nice. She doesn't like the mouse at all. She is very scared of mice. Now soon she will start blogging and take the world by storm, hand in hand with Mother Nature on why our globe is warm. She will be in touch on email with family, friends on the net, and keep us all laughing with her global tete-tete. She will start a world-class kitchen and have a host of fans begging for her recipes of fish curries and flans. So get set, darling granny. We are so happy you are online. You are a granny in a million. I am so glad that you are online. This is a story about a new laptop of granny. Nani ke naye laptop ke bare mein. Jab wo laptop use kar rahi hai, to poet jo hai wo kya keh rahe hai is poem mein hum dekhenge. Granny has a laptop. Granny ke paas ek laptop hai. इट्स स्लिक एंड शाइनी न्यू. वो पतला सा है और शाइनी है और नया है. सी गेजेस एट इट फॉन्डली. जब हमारे पास भी कोई नई चीज़ आती है तो क्या करते हैं, बार बार उसे देखते हैं. तो ग्रैनी भी जो है वो लैपटॉप को बार बार देख रही थी. गेज मतलब होता है बार बार देखना. एंड वंडर्स व्हाट टू डू. और सोच रही है कि क्या किया जाए इस लैपटॉप से. She keeps it gently on her lap. Lap means गोद. उन्होंने अपने लैपटॉप को अपने गोद में रखा है. She really thinks it's nice. और वो सोच रही है कि ये बहुत ही अच्छा है. She doesn't like the mouse at all. और उन्हें माउस बिल्कुल भी पसंद नहीं है. She is very scared of mice. क्योंकि वो चूहे से डरती है. Now soon she will start blogging. और अब क्या कर रही है, वो ब्लॉग करना स्टार्ट कर रही है. यानी अपने नेट पे कुछ कुछ चीज़ें सर्च करना, कुछ कुछ चीज़ें अपलोड करना वो स्टार्ट करेंगी. एंड टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, हैंड इन हैंड विथ मदर नेचर ऑन व्हाई आवर ग्लोब इज वार्म. और तुरंत वो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली है, क्योंकि वो अपनी जानकारी, अपने इन्फॉर्मेशन सबसे शेयर करने वाली हैं. अपने इन्फॉर्मेशन को अपलोड करने वाली हैं कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर. क्योंकि वो जिस एज में है अभी, वो पूरी दुनिया को देख चुकी हैं. हमारे एनवायरनमेंट में कितनी ज़्यादा चेंजेस आई है. पहले हमारा एनवायरनमेंट कितना कूल हुआ करता था, अभी कितना ज़्यादा हॉट हो जा रहा है. पहले सीजनल वेदर चेंज होता था, मींस जब सर्दी होने वाली थी तो सर्दी, गर्मी तो गर्मी, बारिश तो बारिश. अभी किसी भी मौसम में कुछ भी हो जाता है. तो ये क्या है, ये क्लाइमेटिक चेंज जो है वो बहुत सालों से देखते आ रही हैं. तो वो अपने इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर करेंगी कि आखिर हमारा जो ग्लोब है, हमारा अर्थ है, ये गर्म क्यों होते जा रहा है. ये सारे इन्फॉर्मेशन अब वो शेयर करना शुरू करने वाली हैं. सी विल बी इन टच ऑन ईमेल विथ फैमिली फ्रेंड्स ऑन द नेट. और हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली जो दूर रहते हैं उनसे हम लोग नेट पे या तो वीडियो कॉल करके बात करते हैं या फिर चैटिंग करते हैं. बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है. तो ये भी अब, क्योंकि इनके पास भी नया लैपटॉप आ गए हैं, ये भी अब अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, सबसे नेट पे कांटेक्ट में रहेंगी. एंड कीप अस ऑल लाफिंग विथ हर ग्लोबल टेटेटेट. टेटेटेट मीन्स होता है जब दो लोग आपस में चैट करते हैं, तो टेटेटेट एक वर्ड है, वो हम यूज कर सकते हैं. ये फ्रेंच लैंग्वेज है. तो ग्रैनी जो है अपने बातों से सबको हंसाने वाली है. और ये चीज़ सुन के जो पोएट है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, सबके साथ चैटिंग शुरू करेंगी और सबको हंसाएंगी. से विल स्टार्ट अ वर्ल्ड क्लास किचन. क्योंकि वो ग्रैनी है, नानी है, और नानी लोगों के हाथ की खाना, जो नानी लोगों को खाना बनाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है. क्योंकि नानी ने ही हमारे मम्मी को भी तो सिखाया है, और हमारे मम्मी का जब खाना टेस्टी होता है तो सोचो नानी का भी तो खाना टेस्टी होगा. तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि ग्रैनी का जो टेस्टी खाना है वो अब वर्ल्ड क्लास में फेमस होने वाला है. क्योंकि ये अपने रेसिपीज, नए नए जो डिशेज की रेसिपीज है वो भी अपलोड करने वाली हैं अब.
एंड हैव अ होस्ट ऑफ फैंस, और जब इनका खाना ऑलराउंड में फेमस हो जाएगा तो इनके बहुत बड़े बड़े फैंस हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े चाहने वाले इनके होंगे इनके रेसिपीज को। बेगिंग फॉर हर रेसिपी, बेग मतलब होता है अनुरोध करना, और सब लोग इनसे अनुरोध करेंगे कि और भी रेसिपीज डालिए, और भी रेसिपीज अपलोड कीजिए, हमें सीखना है। ऑफ फिश करीज एंड फ्लैंस, और अलग अलग रेसिपीज जिसमें से दो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, फिश करी, फिश बनाना, और फ्लैंस मीन्स होता है एक बेक डिशेज होता है, ठीक है, बेक मतलब होता है सेका हुआ। तो यहाँ पे दो डिशेज के बारे में बता दिया गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे डिशेज हैं जो नानी अब जो है लैपटॉप पे नेट पे शेयर करने वाली हैं, क्योंकि इनके पास अब नया लैपटॉप आ गया है, तो अब ये फेमस होंगी अपने अलग अलग जानकारियों से, खाना बनाने से, अलग अलग जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन है वर्ल्ड के लिए, क्लाइमेट के लिए, हमारे अर्थ क्यों गर्म हो रहे हैं इसके वजह से, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन अब ये शेयर करेंगी और ये पूरी जगह फेमस हो जाएंगी। सो गेट सेट डार्लिंग ग्रैनी, वी आर सो हैप्पी यू आर ऑनलाइन, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि आप अब ऑनलाइन रह रहे हो। यू आर अ ग्रैनी इन अ मिलियन, और आप मिलियंस में सबसे बेस्ट हो, मीन्स जितनी भी ग्रैनी है सब में आप सबसे बेस्ट हो, क्योंकि आप मेरी ग्रैनी हो, पोएट बोल रहा है, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप मेरी नानी हो और आप इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ पता है, और अब आप अपने नॉलेज को सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो कोई भी चीज़ हमारे पास नया आता है तो उसे सीखने में टाइम लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे ग्रैनी के पास भी नए लैपटॉप आए हैं तो उन्हें भी थोड़ा बहुत सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन पोएट ने क्या किया, इमेजिन किया है कि अब तो इनके पास लैपटॉप आ गया है, अब ये आराम से अपने काम को कर सकती हैं, अपने डिशेस को, अपने रेसिपीज को शेयर कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, और इस बात से जो पोएट है रोयन मैंड्रिक वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, और वो बोल रहे हैं कि मेरी नानी जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट नानी है, वो मिलियंस में सबसे बेस्ट है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये मेरी नानी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम, होप यू हैव एन्जॉयड द पोएम, बाय एवरीवन।